विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होती है, कौन क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा पाइथन कोड पे आ जाएंगे कि बाय यूजिंग पाइथन हम ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अब बेसिकली अब तक जो हमने किया है उसको अगर हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो अभी तक हमने ये किया है कि भाई हमने अब तक पाइथन की जो बेसिक कोडिंग होती है वो देखी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाइथन और नंपाई वगैरह के लाइब्रेरीज वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डेटाबेस क्या होता है और पाइथन के थ्रू हम डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि पाइथन को यूज़ करके हम जीयूआई एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। अच्छा, मशीन लर्निंग एक बहुत वास्ट और वसी टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका भी ज़ाहिर है हम एक दो क्लासों के अंदर थोड़ा आइडिया लेंगे, लेकिन हमें बात समझ में आ जाएगी। और इसको समझने का रीज़न भी यही है कि पाइथन की जो पॉपुलैरिटी है या वो जो ज़्यादा यूज़ होती है वो एक्चुअली इन्हीं साइड पर ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इसका ज़्यादा जो है वो रोल है। और आजकल के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं होता, बल्कि बीच में कोई ना कोई एल्गोरिथम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए भी हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ये बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें से जितना पॉसिबल होगा हम चीज़ों को देख लेंगे जो कि हमारी समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कोडिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को कुछ समझना पड़ेगा जो कि इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करें, सही है जी। तो स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं और हम जो है ना वो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है। बेसिकली मशीन लर्निंग का अगर अलग से कोई कोर्स हो तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग है, डायमेंशिबिलिटी रिडक्शन है या क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, मॉडल सिलेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब पढ़ी जाती हैं जब आप मशीन लर्निंग का एक अलग से कोर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये स्लाइड एक्चुअली एक मशीन लर्निंग के पूरे कोर्स की है, इसलिए ये सारे टॉपिक्स हैं लिखे हुए। एक्चुअली हम जो करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा मशीन लर्निंग का आइडिया हो जाए, कुछ एग्जांपल्स हम करके देख लें, कुछ टूल्स हम अप्लाई करके देख यूजिंग पाइथन, तो थोड़ा हम जो है ना उससे फेमिलियर हो जाए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है मशीन लर्निंग का, ठीक है। इस वक्त जो है ना वो हर तरफ डेटा ही डेटा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे गूगल की बात करें तो ये जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ ये 2014 की हैं, और अब तो जाहिर है इनमें इजाफा ही हो गया होगा, अब ये तो ज़्यादा होंगे। यानी कि गूगल जो है वो 2014 के अंदर 14 में 24 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो प्रोसेस करता था, अब तो ये अमाउंट शायद डबल ट्रिपल हो गई हो। फिर इसी तरीके से फेसबुक जो है वो उस पर हर घंटे में तकरीबन 10 मिलियन फोटोज़ अपलोड होती हैं, फिर ये हर कोई कर देता है। यूट्यूब पे तकरीबन एक घंटे की वीडियो हर सेकंड में अपलोड होती है। इसी तरह ट्विटर जो है उसमें 400 मिलियन ट्वीट्स हर रोज़ाना होती हैं, ये 2014 की बात हो रही है। या हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड चीज़ें होती हैं या सैटेलाइट से हम जो डेटा लेते हैं जिसकी मदद से हम ये बताते हैं कि भाई बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, तो वो पीटा बाइट्स में होता है और जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि अब इस वक्त जो है वो जीटा बाइट्स के ऊपर बात होना शुरू हो गई है, और जाहिर है ये इसका रीज़न ये है कि बहुत सारा डेटा होता चला जा रहा है। तो अब ये जो इतना डेटा है तो इस डेटा
के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है, नंबर्स में भी होता है, ग्राफ्स फॉर्म में भी होता है, टेबल्स भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं, ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, वीडियोस की फॉर्म में भी होता है। तो बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास मौजूद होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी फील्ड में हम चले जाएँ तो हम उसको कहेंगे कि हम डेटा फाइड हो गए। डेटा फाइड होने से मुराद ये है कि हर चीज़ जो है ना वो डेटा के ऊपर काम कर रही है, और इम्पोर्टेंस ही असल में जो है वो डेटा की है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मैं फेसबुक पे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करूं या मैं जंग अखबार में एड लगवाऊं, तो ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है, क्यों? फ्री तो खैर नहीं है, फेसबुक पैसे लेता है मार्केटिंग करने के। लेकिन ज्यादा ऑडियंस तो अखबार की भी है। अच्छा, मैं फेसबुक पे करूं या टीवी पे इश्तहार चला दूं, ज्यादा बेहतर कौन सा है, क्यों? अच्छा, फेसबुक करता क्या है आपके ख्याल में, फेसबुक कमाता कैसे? तो क्या खास बात है कि मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊं कहीं और ना चलाऊं? क्या मतलब है इस बात का? फेसबुक अच्छा, देखें फेसबुक का क्या मसला है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका ना। देखें, जब हम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो फ्री में बनता है, उसके बाद फेसबुक ना हमारा डेटा स्टोर करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कौन सी वीडियोस लाइक कर रहा हूँ, या जैसे मोबाइल ऐप है ना, तो मोबाइल ऐप सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं चल रही होती, जब मेरा मुख फोन बंद होता है तो भी ये ऐप चल रही होती है। ये भी देख रहे होते हैं कि मैं व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट कर रहा हूँ, ये भी देख रहे होते हैं कि मेरा मूड कैसा है, मैं हंस रहा हूँ, मुस्करा रहा हूँ या सैड हुआ हूँ, मैं किस किस्म के गाने देख रहा हूँ, मैं किस किस्म की वीडियोस देख रहा हूँ, मेरी एज क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं किस इलाके में रहता हूँ, किस इलाके में चलता फिरता हूँ, उस इलाके के लोग क्या सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक के पास मौजूद हैं। फेसबुक उसके ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है और उसकी बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि किसको क्या दिखाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक को पाइथन प्रोग्रामिंग का एड मार्केट करने के लिए दूँ तो फेसबुक हर एक को नहीं दिखाएगा, वो 60 साल के एक बाबा जी को नहीं दिखाएगा, ना ही वो 20 साल के ऐसे नौजवान को दिखाएगा जिसकी फील्ड कॉमर्स है या जिसको कंप्यूटर साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फेसबुक जो है ना, वो ना सिर्फ ये नोट कर रहा होता है आपके बारे में कि आप कौन है, आपकी एज क्या है, बल्कि आपका इंटरेस्ट भी नोट कर रहा होता है, आपकी कैटेगरी बना के रखी है उसने। जैसे मूवीज की कैटेगरी होती है ना, एक हॉरर फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, एक जो है ना वो साइंस फिक्शन है, इसी तरीके से फेसबुक ने भी आपकी कैटेगरी बना के रखी है, आप किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जब मैं कोई फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ तो वो देखता है कि ये ऐड किस तरह की कैटेगरी के लिए सूटेबल है और उस पर चला देता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो उससे क्या होता है कि बजाय इसके ऐसे लोगों को ऐड नजर आया, वो उनको नजर आता है जिनके लिए वो काम का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आप जैसे कोई आपने मार्केटिंग करनी है तो उसका एक तरीका ये, जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, अब आपने उसके जो है ना वो हैंडबिल बनवा ली और मस्जिद के बाहर बांटना शुरू कर दिया, अब वो कारामत तो होगा लेकिन वो उसमें से 80% हैंडबिल आपके जाया हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेस्टोरेंट में खाना खाते ही नहीं होंगे। लेकिन वही काम जब मैं फेसबुक में करूंगा तो फेसबुक क्या करेगा कि सिर्फ उन लोगों को वो ऐड दिखाएगा जो रेस्टोरेंट जाते हैं, जिनको रेस्टोरेंट जाने का शौक है,
जो अक्सर इस तरह की चीजें पोस्ट करते हैं, हाँ, जिन्होंने इस तरह के पेजेस लाइक किए हुए हैं, जिनकी पोस्ट से ही अंदाजा होता है। तो यानी ये कि जब भी हम फेसबुक पे जितने ज्यादा अकाउंट बने होंगे ना, उनका उसमें उतना फायदा होगा, उनके पास डेटा मौजूद है हर तरह का। फेसबुक को इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो भी उनसे डेटा लेती है, क्योंकि उसके हिसाब से जब मिसाल के तौर पर इलेक्शन होते हैं तो बाहर की कंट्रीज में जो है वो फेसबुक का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि किस बंदे की जो हमदर्दियां हैं वो किसके साथ हैं। यानी फेसबुक वाले चाहें तो वो बता सकते हैं कि कौन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में किस सियासी पार्टी के साथ हैं और किसके साथ उनकी हमदर्दियां हैं, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या कॉमेंट कर रहे हैं। यानी आपको अंदाजा नहीं है कि अगर हम कुछ लिखते भी हैं ना, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि हम उदास हैं या हम खुश हैं या हम इस वक्त किस मूड में हैं। फिर हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो फोटोज हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाता है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और अब तो ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप फेस देख के बता दें कि आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस देख के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। कौन ट्रैक कर रहा है? हमारे स्मार्टफोन्स ट्रैक कर रहे हैं। फिर हम वेब ब्राउजिंग, जो हमारी हिस्ट्री है, वो भी बहुत कुछ बताती है हमारे बारे में कि हम किस तरह की वेबसाइट्स देख रहे हैं, उससे भी अंदाजा हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है, तो वो जो कुछ सर्च कर रहे हैं ना, उससे उसका इंटरेस्ट का अंदाजा होता है कि वो क्या करना चाह रहा है या उसके माइंड में क्या है। वो चीज़ें भी सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अगर आप अपना ब्राउजिंग का डेटा डिलीट कर भी दें तो कोई फायदा नहीं है, वो रिकॉर्ड हो गया है, वो आपके ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड सर्विसेज लग रही हैं वो सब रिकॉर्ड कर रही होती हैं कि ये बंदा क्या क्या व्यू कर रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहा है, सब रिकॉर्ड होता है, कौन कौन से सोशल नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जब ये सब रिकॉर्ड हो रही हैं तो ये रिकॉर्ड होकर कहीं सेव हो रही हैं, और ये सेव हो रही है तो ये सब क्या है? ये डेटा है। अब ये जो डेटा है, इसमें से यूजफुल चीज निकालना कि इस ये बंदा चाह क्या रहा है, इस बंदे की क्या नीड है, ये सब चीजें जो है उसके लिए हम इन पे इस डेटा पे अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम। तो डेटा साइंस का एक टर्म आपने सुनी होगी। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस प्रोसेस ये है कि आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आप उसकी प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन से मुराद कि उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें कि उस पर कुछ एनालिसिस हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इंटर के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँ। अगर मैं पूरे कराची के तमाम लोगों, आज से 40 साल पहले से अब तक तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करो और उनका इंटर का रिजल्ट कलेक्ट करो, तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इलाके में किस जगह पर लोगों के क्या ग्रेड ज़्यादातर आते हैं, फिर मैट्रिक में कौन सा ग्रेड आता है और इंटर के बाद कौन इंटर में कौन सा ग्रेड आता है। मैं इस तरह की एनालिसिस कर सकता हूँ कि अगर मैट्रिक में मेरा ये ग्रेड आया है तो इंटर में फला ग्रेड आने के चांसेस है। इस तरह की एक एप्लीकेशन बन सकती हो। उसमें ये कि मैं ये देखूंगा कि भाई वो किस इलाके में रहता है, फिर उसके मिसाल के तौर पे पेरेंट्स की क्या सैलरी है, या मिसाल के तौर पे वो किस जगह पढ़ता है, किस स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, वहाँ पे क्या ग्रेड्स आते हैं। तो इस तरीके से मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ जिसमें अगर मैं अपने मैट्रिक के मार्क्स इंटर करूँ तो वो मुझे प्रिडिक्ट करके बता दे कि आपके इंटर में इतने नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो ये करने के लिए मुझे बहुत सारा डेटा पहले का चाहिए जिसके ऊपर मैं कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करूँ। अब उसमें जो डेटा मुझे मिलेगा उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, कुछ चीज़ें फॉर्मेटेड नहीं होंगी, तो वो मिसिंग चीज़ों में जहाँ पे चीज़ें मिस है वहाँ पे क्या लिखना है, जो फॉर्मेटेड नहीं है उसका क्या फॉर्मेट रखना है, इस चीज़ को करते हैं, कहते हैं हम डेटा प्रिपरेशन। यानी जो डेटा मिले उसको सही फॉर्मेट में लेके आना, फिर जब वो सही फॉर्मेट में आ जाए तो फिर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस करते हैं। यानी ये कि इसमें हमें करना क्या है,
इस डेटा से हम निकालना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारे पास अगर डेटा हो तो हम उससे ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई इंटर में बच्चों का क्या ग्रेड आएगा। अभी इंटर का एग्जाम दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा एंड बेस्ड ऑन करंट मैट्रिक इंफॉर्मेशन हम ये निकालना चाह रहे हैं या निकालेंगे कि भाई इंटर में क्या रिजल्ट आएगा। तो अभी काम करने के लिए हम मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। यहाँ पे आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की मदद से हम अपना एक मॉडल बनाएंगे जिसको हम ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके फिर उसको टेस्ट करेंगे। ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक टर्म यूज होती है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे आपका एग्जाम है तो अब आप याद कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर याद कर रहे हैं। आपने 10 क्वेश्चन और 10 आंसर याद किए, उनमें से कोई 5 जो है ना वो एग्जाम में आएंगे। तो अब वो जो आप याद कर रहे हैं ना वो अपने आप अपने ब्रेन को कर रहे हैं ट्रेन। इसको कहते हैं ट्रेनिंग। वो रट्टा लगाना या समझना, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इसको कहते हैं लर्निंग। जब वो ट्रेन हो जाता है उसके बाद जब एग्जाम होता है तो अब आप वो चीज जो याद करिए वो लिख रहे हैं। इसको आप मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे टेस्टिंग। यानी अब आप ये चेक कर रहे हैं कि जो मैंने याद किया था वो कितना मुझे याद हुआ, तो वो लिख रहे हैं। उसमें से ऑब्वियसली आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ आपको याद रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को मॉडल करते हैं, यानी उसको ट्रेन करते हैं प्रीवियस डेटा पे और फिर नए डेटा पे उसको टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 स्टूडेंट के मैट्रिक और इंटर के नंबर से उसको ट्रेन कर दिया और फिर अब मैं एक नए स्टूडेंट का मैट्रिक का रिजल्ट इंटर करके प्रिडिक्ट करूंगा कि वो इंटर में उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो अब उसके लिए प्रिडिक्शन भी होती है, उसमें क्लासिफिकेशन भी होती है, उसमें रिग्रेशन एनालिसिस भी होती है। ये हमें समझना है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे यूज होती है मशीन लर्निंग। फिर वो जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको फिर आप डिस्प्ले करने के लिए विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम ये वाला जो पार्ट है ना एल्गोरिथम वाला ये देख रहे होते हैं। अच्छा, अब डेटा माइनिंग क्या चीज होती है। डेटा माइनिंग एक कॉन्सेप्ट है कि बाय यूजिंग मशीन लर्निंग या पैटर्न रिकग्निशन हम डेटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड करें। पैटर्न्स फाइंड करने से मुराद ये है क्या हम देखें कि भाई ये चीज है उसको जज कर लें कि ऐसा है और फिर उसके बाद दूसरे लोगों से फाइंड करें। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह की ऐप का एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि कैमरे से हमने कैमरा लगा रखा है। आप चाइना में बास कंपनीज के अंदर वो क्या करते हैं कि उनका जो एम्प्लॉय है ना कंटिन्यू उसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा ऑन है उसका। अब वो काम कर रहा है, अब वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस नोट करते जा रहे हैं और उसकी बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये कब छोड़ के देंगे। अब वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है कि जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं। और उस तरह के एक्सप्रेशन जब उनको किसी और एम्प्लॉय में नजर आते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये अब छोड़ के जाने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे आप भी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल ये दूं कि मैं जो है वो पढ़ा पढ़ा के स्टूडेंट्स के चेहरे देख के मुझे अब अंदाजा हो जाता है कि इसकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मुझे और डिटेल से पढ़ाना है। मतलब ये मेरा ब्रेन इस हिसाब से ट्रेन हो गया है। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर को भी ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमें, उसको जब हम कुछ डेटा दें तो उसकी बेसिस पे हमें कोई वो रिजल्ट बता दें। इसी तरीके से ये जो मशीन लर्निंग है ये अब बहुत सारी जगहों पे यूज हो रही है। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग में यूज होती है, बायोलॉजी में यूज किया जाता है इसको, स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स में यूज हो रही है। अब ये जो हम देखते हैं ना मिसाल के तौर पे कि भाई इतने दिनों बाद इतने केसेस हो जाएंगे, अगर हमने नहीं रोका तो यूं हो जाएगा, ये सारी जो है वो एनालिसिस होती है। तो ये यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आजकल तकरीबन हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और लोग इनको यूज कर रहे हैं। अब उसमें दो टर्म समझ लें, एक टर्म है इंटेलिजेंस और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एक ही चीज है, वही वही आ रहा है। असल में मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है, ठीक है। जो सबसे ऊपर जो फील्ड है ना, सबसे पुरानी जो चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी ब्रांचेज है बहुत सारी, उसकी एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। अब वही मैं असल में समझाना चाह रहा था कि ये मशीन लर्निंग है क्या, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस क्या होती है, मैं आपसे सवाल करूं कि इंटेलिजेंस क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे? इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? किसी काम को सीक्रेट वे में करना। इसको समझना, उसके बारे में कैसा रखने के, इसको बढ़ने या घटने या अलग है। अच्छा, क्या जानवरों में इंटेलिजेंस होती है? तो इंसान, क्या उनमें दिमाग नहीं होता? तो उनके दिमाग में और इंसानी दिमाग में क्या फर्क है? देखिए इंसान में और जानवर में जो फर्क है ना, वही एक्चुअली इंटेलिजेंस है। यानी देखें, खाने पीने का काम जानवर भी करते हैं, खाना पीना इंटेलिजेंस नहीं है। इसी तरीके से सोना, जागना और जो डेली रूटीन्स के काम है वो करना जो जानवर करते हैं, वो इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस इंसान ऐसा क्या करते हैं जो जानवर नहीं करते? नहीं, जानवर भी सोचते हैं, मिसाल के तौर पे उनको उनको भी दर्द होता है, वो भी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से जाना है कि इधर से जाना है, कौन सा पानी पीना है कौन सा नहीं पीना, इतना तो उनमें भी होता है। हाँ, बेसिकली कुछ चीजें तो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो इंसानों में भी होती है जानवरों में भी होती है। देखें, एक तो जानवर बोल नहीं सकते, बोलना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। यानी एक ह्यूमन चाइल्ड भी जो है ना, वो भी 2 साल तक इस काबिल होता है, 3 साल तक इस काबिल होता है कि वो बोलना शुरू कर दे। हम तो बोल रहे होते हैं ना और समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको एक मशीन बनानी है जो कि बोल सके और बोली हुई बात को समझ सके, तो लग पता जाएगा आपको कि ये कितना मुश्किल काम है। उसके लिए अगर आपको कोडिंग करनी हो, एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि इंसानों की बोली हुई बात को समझ सके और जवाब दे सके, ये इतना मुश्किल काम है कि साल हर साल गुजर गए, अभी तक ये काम सही से हो नहीं पाया। सिरी तो आपकी बात सुनती है और कर लेती है, लेकिन जिस तरह इंसानों में बात होती है ना, सिरी भी काफी आज से थोड़ी डेवलप हुई हुई है। मतलब उसमें समझ लें कि 50-60 साल की जो है ना वो प्रोग्रामिंग है, जब जाके कोई सिरी टाइप की चीज बनी है। लेकिन ये कि वो क्या है कि आप उसको एक कमांड देते हैं, उसकी बेसिस पे वो गाना चला देगी, ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन अब आप रोना शुरू हो जाए तो सिरी को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, ठीक है, या सिरी से शादी कर सकते हैं आप हैं, या ये कि सिरी के साथ आप गम बांट सकते हैं, या उसके साथ आउटिंग पे जा सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक लेवल तक तो काम हो गया, लेकिन जितना एक ह्यूमन है उस लेवल तक काम करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। अभी इंटेलिजेंस क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो लिखा हुआ है इंटेलिजेंस इज द कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ द एबिलिटी टू अचीव गोल्स। मुझे कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए जो काम मैं करता हूं वो इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। और ये इंटेलिजेंस हर एक के अंदर अलग अलग होती है, कोई ज्यादा जहीन होता है कोई कम जहीन होता है। जो ज्यादा जहीन होता है वो अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव करता है, और जो कम जहीन होता है वो थोड़ा उससे कम लेवल पे अपने गोल को अचीव करता है, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। हाँ, मिसाल के तौर पे आपको आपको कोई काम करना है, कोई टारगेट है आपका, कोई गोल है, तो अब उस गोल को करने का बेहतर तरीका क्या होगा? सही है, आपके पास मुख्तलिफ पॉसिबल सॉल्यूशन है, उनमें से बेस्ट वे क्या होगा, किस मौके पे क्या बात करनी है, ठीक है।
किससे किस तरह बात करनी है ना, तो मुख्तलिफ गोल्स होते हैं, तो उनमें से बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है उस गोल को अचीव करने का, जितने बेहतर तरीके से आप वो काम करेंगे वो एक्चुअली वो आपकी इंटेलिजेंस का इजहार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है कि ऐसी मशीन्स हम बनाएं जो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें, ठीक है, यानी ऐसा कंप्यूटर हो जो इंटेलिजेंट वे में काम कर सके, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो इंतहाई डंप मशीन है, इसमें इंटेलिजेंस नामी कोई चीज़ नहीं होती, इसको आप जो बोलते हैं ये वही करता है, ठीक है। तो ऐसी मशीन हो जो के खुद डिसीजन ले, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब ये फील्ड स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तो हमने सोचा था कि भाई ऐसी मशीनें बना लेंगे जो कि ये काम कर लेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ बना सकें जो हमारी तरह हो, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हम इस वक्त अचीव कर सकते हैं, शायद फ्यूचर में ऐसा हो जाए, अभी तक तो नहीं है। तो अभी तक जो हम काम कर चुके हैं वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हम सर्च बेस काम कर चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मशीन हमें ये बता सकती है कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। जैसे आप गूगल मैप में काम करते हैं तो वो आपको ये बता देती है कि यहाँ से यहाँ तक का बेस्ट सॉल्यूशन, जाने का रास्ता कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ये काम हम अब तक कर चुके हैं। या इसी तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो अपने आप को खुद ब खुद इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो इस तरह का काम कर चुके हैं कि जो मशीन है हमारी वो सिनेरियो की पिक्चर खींच के बता दे कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाँ, मतलब यूके वगैरह में ऐसा होता है कि वो बता देते हैं कि भाई ये जो है ना कंप्यूटर विजन, एक्चुअली ये फील्ड इस तरह की है कि जैसे कोई बेचारा अंधा है, अब उसको हमने कुछ ग्लासेस लगा दिए हैं, अब उसको वो कैमरा उसका बता रहा है कि भाई सामने ये चीज़ है या ये, या उसको जो है ना विजुअली हम दिखा दें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो कंप्यूटर विजन में यही है कि आप जो है ना वो बगैर देखे आप कंप्यूटर देख के बताएं, जिस तरह हम देख के बता देते हैं ना। अब ये जो हम देख के बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है अगर ये आप इसकी कोडिंग करें तो। इसी तरह एनएलपी पे काम हो चुका है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना, आपने अरबी बोली तो वो मशीन उसको सुने समझे और किसी और लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दे, ट्रांसलेट कर दे, तो ये काम भी हो चुके हैं बहुत सारे। रोबोटिक्स पे बहुत सारा काम हुआ है कि ऐसे रोबोट्स बन जाएं जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। इंसान तो बहुत सारे काम कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि बर्तन धोना इतना मुश्किल काम है कि आज तक कोई रोबोट ये काम कर ही नहीं सका, बर्तन धोना बगैर प्लेटें तोड़े, ये बहुत ही मुश्किल काम है। हम तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक रोबोट से अगर आप ये काम करवाना चाहें तो अभी तक हम ऐसा रोबोट नहीं बना सके जो कि बगैर बर्तन तोड़े बर्तन धो दे। नहीं, वो तो खैर एक अलग बहस है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं आया, वो उसको तो छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत महंगी फील्ड है ना। इसमें मसला ये होता है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर हाँ बहुत सारे एक्सपेंसिव है ये बहुत ज़्यादा, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल काम हो रहा है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग बेसिकली ये है कि कोई भी स्किल जो है ना वो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय स्टडी बाय इंस्ट्रक्शन और बाय एक्सपीरियंस। तो लर्निंग हम तो करते ही हैं, जैसे कोई बच्चा होता है वो बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहा होता है, खुद ब खुद सीख रहा होता है। जो ह्यूमन माइंड की इंटेलिजेंस है ना वो ये है कि जो बच्चा पहली दफ़ा बोलता है तो हम उसको सिखाते नहीं है बोलना, वो सुन सुन के बोलता है,
फिर बहुत सारे काम वो सिर्फ देख के अडॉप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे उसको कोई ये नहीं समझाता कि खाना जो है ना वैसे खाना है, वो खुद बड़ा होके देख देख के समझ जाता है कि खाना ऐसे खाना है, ये चलना ऐसे है, या बात इस तरीके से करनी है, तो वो जो उसके इर्द गिर्द के लोग जो कर रहे होते हैं वो वैसे ही करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो हम एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन्स बनाना चाह रहे हैं जो कि ऑब्जर्व करके और देख के सीखें, खुद ब खुद ही इंप्रूव होते रहें। ठीक है, तो ये काफी मुश्किल काम है और इसमें बहुत टाइम लग सकता है। हमें मूवीज वगैरह में तो बहुत कुछ हो जाता है, मूवीज में जो कुछ होता है ना कि वो ऐसे ही और रोबोट बन गया जो कि बड़ा इंटेलिजेंट है और वो यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, वो तो मूवीज में हो जाता है, रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल काम है। तो मशीन लर्निंग क्या है? ये एक सब एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें हम करते ये हैं कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव हो। अच्छा, एक्सपीरियंस से मुराद यहाँ पे डेटा है, यानी हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसको जितना ज़्यादा हम डेटा देते रहते हैं या वो खुद डेटा कलेक्ट करता रहता है तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाती है, वो मेच्योर होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई काम आप पहली दफा करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है, दूसरी दफा बेहतर तरीके से करते हैं। अब एक काम आप 50 दफा कर चुके हैं तो अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि आंखें बंद करके वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं कि यार इसको बड़ा तजुर्बा हो गया है। इसी तरीके से कोई टास्क हम किसी मशीन से करवाएं, वो एरर के साथ करे, अगली दफा थोड़ा बेहतर हो, अगली दफा उससे बेहतर हो, अगली दफा उससे बेहतर हो, एक टाइम आए कि वो बिल्कुल सही से करना शुरू कर दे, तो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस, और मशीन टर्मिनोलॉजी में हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डेटा। ठीक है, जितना उसको डेटा मिलता रहेगा वो इम्प्रूव होता रहेगा। तो वो जो आप बात कह रहे थे ना एआई की, तो एआई की ब्रांच मशीन लर्निंग, इसी के अंदर जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग वगैरह आती है, तो ये सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आपने बड़े नाम सुने होंगे, डेटा साइंस और यही सारी एक ही चीज़ें हैं, बस ये कि हर दफ़ा एक नए नाम के साथ हम आ जाते हैं ताकि ये कि थोड़ा लोगों को लगे कि कोई नई चीज़ आ गई है। तो ये हमें मशीन लर्निंग के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों करें हम, जो काम हम खुद कर रहे हैं वो हम मशीन से क्यों करवाएं? ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे आपको मरीज पे इंसान को नहीं बेच सकते तो आप मशीन को बेच सकते हैं। तो अब आप देखें कि मरीज पे जो मशीन गई भी है वो इस काबिल है कि वो वहां पे चलती फिरती है, रिकॉर्ड करती है और वापस भेज देती है, तो उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि चलते फिरते कोई उसके सामने चीज आ जाती है तो वो घूम फिर जाती है और वहां से डेटा रिट्रीव कर करके भेज रही, बस इस काबिल है वो। ठीक है, इसी तरीके से मशीन लर्निंग का हमें ये फायदा हो सकता है कि हम किसी की बात सुनकर समझ सकें। मैं चाइना में चला गया, मुझे चाइनीज समझ नहीं आ रही है, तो मेरे पास ऐसी डिवाइस हो जो उसकी बात को चाइनीज की सुनकर मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दे, फिर मेरी बात सुनकर वो चाइनीज में ट्रांसलेट करके उसको बता दे। इस तरह की एप्लीकेशन हमें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह की एप्स तो अब आ गई हैं कि उनको आप किसी टेक्स्ट पर रखें तो वो उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। जैसे गूगल लेंस एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है मोबाइल में, आप उसको डाउनलोड करें, उसको किसी भी टेक्स्ट पे रखें तो वो उस टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा किसी भी लैंग्वेज में। इसी तरीके से जो कंप्यूटर रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉब्लम है वो भी हम मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एआई या मशीन लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ऐसा सिस्टम बना सकें जो कि इंसानों की तरह सोचे और एडॉप्टिव हो, यानी कि चेंज होता रहे। ह्यूमन के अंदर एक बहुत ही अहम फीचर है, अगर ह्यूमन को हम एक रोबोट तसव्वुर करें तो ह्यूमन जो है ना वो एडॉप्ट करता है। देखें, एक इंसान जो है ना वो जिस माहौल में रहता है उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। यानी अगर आप सुबह शाम एसी में रहते हैं तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए, अगर आप गर्मी में जाते हैं
लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ लोग आपको ऐसे नजर आते हैं जो सख्त गर्मी में भी बड़ा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उनको फील नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो गई होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटल बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या कैसे कर रहा है, लेकिन उनका जो बॉडी है वो उसके हिसाब से अडॉप्ट हो गई होती है। तो जो है ना वो बाय नेचर अडॉप्ट कर लेता है, जो भी माहौल उसको मिलता है कुछ अरसे में उस माहौल में वो अडॉप्ट कर लेता है, उसकी बॉडी भी अडॉप्ट कर लेती है। तो इस तरह के सिस्टम्स बनाना जो कि माहौल के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, माहौल के हिसाब से। देखिए ये जो माहौल होता है ना, इससे हम इनपुट लेते हैं, आप कुछ बोलेंगे ना तो वो मेरे लिए इनपुट है, फिर मैं उस इनपुट को प्रोसेस करता हूँ और फिर मैं जो बोलता हूँ वो मेरे लिए तो आउटपुट है, आपके लिए इनपुट है। जब आप कुछ बोलेंगे तो मैं उसको समझूंगा कि आपने बोला क्या है, तो उसके लिए मुझे अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, सही है, और फिर मैं उसके जवाब में जो बोलूंगा वो मेरा आउटपुट होगा। तो इसी तरीके से जो मशीन्स होती हैं उनको भी कुछ इनपुट दिया जाता है, वो कुछ प्रोसेस करती हैं और कुछ आउटपुट जनरेट कर देती हैं, और उसके लिए एक मॉडल बनाते हैं हम जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो अब तक की जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस हम बना चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, तो 1989 में सबसे पहले हम इस काबिल हो गए थे कि जो अल्फाज हम बोल रहे हैं वो मशीन उसको समझ रही है कि हमने क्या कहा। अब तो खैर बहुत एडवांस हो गए हैं, यानी अब तो आप बोल के टाइपिंग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उस पहली दफा 1989 में ये काम हुआ था। फिर 1989 में ही हम इस काबिल हो गए थे कि गाड़ी खुद चलना शुरू हो। अब जैसे गूगल कार वगैरह हैं वो अब बन गई हैं, तो वो ऐसी कारें हैं जो चलती हैं, लेकिन मसला ये है कि वो दुबई की सड़कों पे तो चल सकती हैं लेकिन कराची में चलाने के लिए जो कार बनेगी वो अभी तक नहीं बन सकी। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उस कार के लिए रूल्स फॉलो होना बड़ा जरूरी है, अगर रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो उसका सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मसला ये है, अब आप खुद सोचें कि घर से यहाँ तक बाइक पे आना ये इतना मुश्किल काम है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी कोई ऐसा रोबोट बनाना जो घर से चले और बाइक चलाकर यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाए, ये अगर आपने कर लिया तो आपको इतने अवार्ड मिलेंगे, इतने अवार्ड मिलेंगे कि आप पूरी जिंदगी खर्च कर करके थक जाएंगे, लेकिन वो पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, ऐसी मशीन बनाना जो एक तो बाइक चलाए और वो भी कराची में चलाए, तो उसके लिए वो अब आप जब चला रहे होते हैं बाइक तो बहुत इनपुट ले रहे होते हैं, आप सामने देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, आपके हाथ भी चल रहे होते हैं, आपके पाँव भी चल रहे होते हैं, आपका दिमाग भी चल रहा होता है, आप देख भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, बहुत सारे आपके सेंसर्स काम कर रहे होते हैं और डिसीजंस ले रहे होते हैं, आप इधर जाना है, इधर जाना है, रुकना है, चलना है, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर बिल्ट इन है, मशीन के अंदर बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए किसी लेवल तक अचीवमेंट हुई है, या हम ये काम बड़ा अच्छा कर चुके हैं कि गेम खेलना, चेस का खास तौर पे, अब चेस में कंप्यूटर को हराना बड़ा मुश्किल काम है, बड़े से बड़ा चैंपियन भी जो है ना अब कंप्यूटर को हराना उसके लिए मुश्किल हो गया है। कंप्यूटर चेस गेम इतने एडवांस हो गए हैं कि अब उनको आराम से कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक मखसूस इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर वो काम कर रहा होता है तो उसमें वो एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। या फ्रॉड डिटेक्शन है, या रिकमेंडेशन भी बड़ी एडवांस हो गई है। रिकमेंडेशन ये है कि यूट्यूब पे जाके मैंने एक वीडियो देखी, मिसाल के तौर पे मैंने अर्तुगरुल ड्रामे की एक वीडियो सर्च की और देख ली, तो अब यूट्यूब क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं उसी की वो ही रिकमेंड हो रहा होगा, मुझे उसी की एपिसोड रिकमेंड हो रही होंगी, उसने सेव कर लिया कि आपने ये वीडियो देखी तो अब वो उसी के हिसाब से आपको रिकमेंड करे चले जा रहा है, तो ये काम बड़ा अच्छा हो चुका है, ठीक है। या जैसे ये जो आपकी एप्स इस तरह की आ गई हैं जिसमें वो आपको बताती हैं कि अब फलां बैंक्स वगैरह में जो शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, कि फलां चीज़ पे आप पैसे लगाएं उसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं, फलां चीज़ पे आप ना लगाएं उसके कम होने के चांसेस हैं,
इस तरह की सारी चीजें अब तक हो चुकी हैं सक्सेसफुली। तो एक्चुअल जो मशीन लर्निंग का जो यूज है वो ये है कि मशीन लर्निंग की मदद से डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प कर सकें ह्यूमंस के। हमारे पास डेटा हो, मशीन लर्निंग हो, एल्गोरिथम हो, और उनकी मदद से हम किसी भी ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। ह्यूमंस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसी मशीन बनाना जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह हो, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, कुछ एक एक फीचर्स उठा के उसमें हम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी मशीन जो सिर्फ ये करे कि बात सुनकर जवाब दे दूसरी लैंग्वेज में या उसी लैंग्वेज में, या ऐसी मशीन जिसको हम कुछ इनपुट करें तो वो ये बताए कि फलां शेयर के ऊपर लगाओ, फलां के ऊपर ना लगाओ। ऐसी मशीन जिसको हम कुछ सिम्टम्स बताएं तो वो उसकी कोई मेडिसिन बता दे। यानी स्पेशलिस्ट डोमेन की चीज़ें बनाना मुमकिन है, लेकिन इतने फीचर इंसान में, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इंसानों में फीचर हैं क्या क्या। ठीक है, अभी तो हम अपना ब्रेन पूरा इस्तेमाल भी नहीं करते। तो बहरहाल जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर जो हम काम कर सकते हैं वो भी बहुत, अभी उनमें से भी हम 90% चीज़ों को मशीन के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम इस काबिल ही नहीं है अभी। तो बहरहाल ये मैंने कुछ आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो मशीन लर्निंग में जो काम होता है वो एक्चुअली उसको आप चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है रिग्रेशन, एक होती है प्रेडिक्शन, और एक होती है क्लस्टरिंग। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो कुछ बताया उसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। सो रहे हैं सब। चलें, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग वगैरह क्या होती है। देखिए, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास लर्निंग जो है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है अनसुपरवाइज्ड और एक होती है सुपरवाइज्ड। अभी क्या है ये अभी समझेंगे हम। अच्छा, अनसुपरवाइज्ड से मुराद होती है क्लस्टरिंग और सुपरवाइज से मुराद होती है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में होता ये है कि हमारे पास जो डेटा होता तो उस डेटा से क्या आउटपुट निकालना है वो हमें नहीं पता होता, जबकि सुपरवाइज्ड में हमें पता होता है कि आउटपुट क्या चाहिए हमें। ठीक है, ये अभी एग्जांपल्स आएंगी ना तो बात मजीद क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ ये समझें कि सुपरवाइज्ड में दो होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, और अनसुपरवाइज्ड में होती है क्लस्टरिंग। अब एक एक करके इनको जरा समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन की, नीचे जो मैथमेटिक्स लिखी हुई है उसको छोड़ दें। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये है कि मैंने किसी को फोन किया। अच्छा, अब जब मैंने उसको फोन किया तो उसने भी मुझसे बात की, लेकिन पीछे उसके फोन में शोर बहुत हो रहा था, वो किसी पार्टी में था। अब उस पार्टी में शोर बहुत हो रहा था, पीछे कोई 6-7 लोग बोल रहे थे, कोई गाना चल रहा था, कोई चीख रहा था, कोई गिलास टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आया उसने बोला क्या, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा और पीछे जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड हो गया। मेरे पास एक वॉइस है, वॉइस मैसेज है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसमें से हर आवाज को अलग अलग कर रहा हूं कि ये अलग आवाज है, ये अलग आवाज है, ये अलग है, ये अलग है, और उसमें से उसकी आवाज निकाल दी मैंने। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, या मिसाल के तौर पे मेरे पास किसी पेशेंट का डेटा आया और मैंने ये बता दिया कि इसको बीमारी है या नहीं है, यानी कि किसी ग्रुप से कोई चीज बिलोंग करती है या नहीं है। जैसे आपका उन्होंने टेस्ट लिया और फिर टेस्ट लेने के बाद बताया कि आपको कोरोना है या नहीं है, या तो हाँ या ना। तो दो क्लासेस हैं,
एक क्लास है होने वाली और एक है नहीं होने वाली, तो आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो क्लासेस बनाना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मैं किसी शख्स की पिक्चर लूं और ये बता दूं कि ये मर्द है या औरत है, पिक्चर लेके क्लासिफिकेशन। किसी पौधे की पिक्चर लूं और ये बताऊं कि इसको कौन सी बीमारी है, क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, रिग्रेशन क्या होती है? रिग्रेशन होती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसमें। इसका हमें फायदा क्या होता है, या क्लस्टरिंग क्या होती है कि आप बताते हैं कि कहाँ किस से बिलोंग करता है। देखिए, ये क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है। क्लस्टरिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ डेटा है, तो उस डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करके ये बताते हैं कि भाई ये जो डेटा एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, चलें इसकी थोड़ी अगर हम आसान एग्जांपल्स लें, जैसे मिसाल के तौर पे क्लस्टरिंग की अगर हम बात करें, कि जैसे मैंने फेसबुक की आपको एग्जांपल दी कि उन्होंने क्लस्टर बना के रखे हैं कि ये बंदा फलां क्लस्टर से बिलोंग करता है, ये फलां उसमें। या जैसे मूवीज होती हैं, तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं जिसमें मूवीज चलती है ना, तो उनके पास कैटेगरीज होती हैं कि ये साइंस फिक्शन है, ये कॉमेडी है, ये हॉरर है। तो वो कैसे पता चलता है ये मूवी कैसे है, तो उस मूवी को आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाता है ये कॉमेडी मूवी है या हॉरर मूवी है। तो अब ये कॉमेडी होना या हो, अब बहुत सारी हॉरर मूवीज अलग हैं, कॉमेडी अलग है, साइंस फिक्शन अलग है, ये क्लस्टर्स हैं, और हर मूवी किसी एक क्लस्टर से बिलोंग करती है। इसी तरह जो डेटा होता है वो किसी ना किसी खास ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ग्रुप में है, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी उसमें है, क्लस्टर में है, तो हम फिर उसके ऊपर उसके हिसाब से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लर्निंग जो है ना, वो हमारे पास या तो सुपरवाइज्ड होती है या अनसुपरवाइज्ड होती है, सेमी सुपरवाइज्ड होती है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम समझते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें हमें कुछ डेटा सेट मिला हुआ होता है और हमें पता होता है कि आउटपुट निकालना क्या है, किस तरीके का होगा आउटपुट। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक होती है रिग्रेशन और एक होती है क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आपको कुछ घरों का साइज दिया गया और उनकी कीमत बताई गई। सही है, मिसाल के तौर पे आपको ये कहा गया कि 120 घर का, 120 गज का प्लॉट है, उसकी कीमत है मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए, और 200 गज का प्लॉट है उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, 400 गज का प्लॉट है उसकी कीमत है 35 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो एक एरिया के अंदर प्लॉट है आपने उनकी कीमत बता दी और उनका साइज बता दिया। अब आपने क्या किया कि उस सारे डेटा को मिलाकर एक प्लॉट बना दिया। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई, अच्छा फिर आपने ये भी रिकॉर्ड किया कि हर साल कीमत कितनी बढ़ रही है, इस साल 10 लाख थी, अगले साल 12 लाख हो गए, उससे अगले साल 14 लाख हो गए। तो अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई मैं ये प्लॉट अभी ले रहा हूँ तो 10 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो अब आप उसको बता रहे हैं कि 10 साल बाद इसकी कीमत तकरीबन ये हो गई। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। समझ में आ रही भाई? तो कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, ये बकायदा कोडिंग करते हैं हम इसमें। इसमें डेटा इनपुट होता है और उसकी बेसिस पे हम प्लॉट बनाते हैं और फिर हम प्रेडिक्ट करके बताते हैं क्या रिजल्ट होगा। या मिसाल के तौर पे आपको एक पिक्चर दे दी जाए और पिक्चर देख के हम ये बताएं कि इसकी एज क्या होगी। जैसे फेसबुक पे तो अभी बड़ा आराम से बता देते हैं आपको, बल्कि आपका मोबाइल भी आपकी एज बता देता है। अब तो जो स्मार्टफोन्स हैं उनसे अगर आप पिक्चर खींचे हैं, जैसे वो एक ऐप है फेस ऐप के नाम से, आपने सुनी होगी कि उसको अगर आप इंस्टॉल कर लें और उसमें अपनी पिक्चर खींचें तो आपको जवान करके दिखा देगा, बुढ़ा करके दिखा देगा, आपको जो है ना वो मेल से फीमेल बना देगा, फीमेल से मेल बना देगा, या ये कि आपको खूबसूरत कर देगा, मतलब इस तरीके के डिफरेंट एक्शंस आपके ऊपर वो अप्लाई कर देता है। तो एक्चुअली ये क्या है कि पिक्चर देख के वो आपका आपके फीचर एक्सट्रैक्ट करके आपको
आपको जो है ना किसी और टाइप के उसमें कन्वर्ट करके दिखा देता है कि 10 साल बाद आप कैसे दिख रहे होंगे, या 10 साल पहले आपको कैसे दिखना चाहिए था, अभी आपकी क्या एज है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी रिग्रेशन एनालिसिस होती है। क्लासिफिकेशन दूसरे एंड पे ये होती है कि हम ये बताएं कि वो अभी कहाँ पर है, मिसाल के तौर पे वो कौन से स्कूल में है, कॉलेज में या ग्रेजुएट में है। क्लासिफिकेशन ये भी हो सकती है कि कोई बैंक जो है वो किसी कोई बंदा उनके पास लोन लेने आया तो वो डिसाइड करें कि इसको लोन दें या ना दें, तो ये भी क्लासिफिकेशन पल हो सकती है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, न्यूरल नेटवर्क है, डिसीजन ट्रीज हैं, के नियरेस्ट नेबर्स हैं, नेव बेस हैं, ये सारे सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं और इनका कोड हम पाइथन में लिख के बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे अपने डेटा के ऊपर रिजल्ट निकाल सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली ये होती है कि आपके पास देखें कुछ रॉ डेटा है, आप देखें ये जो डेटा है ना इस पर गौर करें, इसमें कुछ सर्कल्स हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं और कुछ स्क्वायर्स हैं। ठीक है, करना क्या है, सर्कल्स को अलग करना है, ट्रायंगल को अलग करना है, स्क्वायर्स को अलग करना है। ठीक है, अब ये कहलाएगा आपका रॉ डेटा, ये इनपुट होगा हमारे एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम्स के ऊपर जो है ना वो एक सुपरवाइजर होगा जो क्या करेगा, इस एल्गोरिथम को इस डेटा पे ट्रेन करेगा। अच्छा, ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग ये होती है कि भाई मैंने अपना कोड लिखा, उसको इनपुट दिया और चेक किया कि वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। उसने सही आउटपुट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैंने कोड में चेंज करा और उस वक्त तक चेंज करता रहा जब तक कि वो सही आउटपुट नहीं दे रहा। अब मेरे कोड ने सही आउटपुट दे दिया तो अब मैं कहूंगा कि मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है। समझ में आ गई बात? हाँ करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम कह देते हैं हमारा मॉडल ट्रेन हो गया तो अब हम उसको कोई भी इनपुट देते हैं ना तो वो फट से बता देता है कि ये सर्किल है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्योंकि इसमें सुपरवाइजर का होना जरूरी है। अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो ये फिर अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग ये होती है कि खुद ब खुद ही वो अपने आप को इम्प्रूव से इम्प्रूव करता रहे, कोई रिजल्ट निकाल के बताता रहे। अनसुपरवाइज लर्निंग ये होती है कि आपके पास कोई टीचर नहीं होता जो आपको करेक्ट करे, बस ये कि आपने जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, आपको ये नहीं पता होता डेटा किस तरह होगा, बस ये कि आप डेटा देते रहते हैं, मॉडल जो है वो इम्प्रूव होता रहता है और बेसिकली उसकी बेसिस पे रिजल्ट बाहर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्लस्टरिंग जो है ना वो नॉन अनसुपरवाइज की एग्जाम्पल है। आपने ये किया कि पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो 1,000 ऐसे लिखवा लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, फिर आपने ये किया कि आप ये चाह रहे हैं कि उनमें से ऐसे ऐसे एक जगह जमा हो जाए जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी है, आप उसको आपने एम्प्लॉय आपने आपको चाहिए तो अब आपने पूरे इश्तहार दे दिया, अब आपके पास CV आना शुरू हो गए तो आप हर CV नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है जो कि CV में जाता है और उसमें से मखसूस अल्फाज ढूंढता है क्योंकि तो आपको मखसूस स्किल वाले लोग चाहिए, तो वो क्या करेगा उसमें से वो ढूंढेगा और फिर निकाल के आपको बता देगा कि ये जो है ना इनका एक क्लस्टर बना के बता देगा कि ये आपके काम के बाकी आपके काम के नहीं है। ठीक है, इस ये एक जैसे डेटा है इनको अलग क्लस्टर बना दिया, ये एक जैसा डेटा है एक क्लस्टर बना दिया। अब मैं कोई और डेटा दूंगा तो वो बताएगा कि ये इस क्लस्टर से बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि डेटा होता है हमारे पास,
हम उसको एल्गोरिथम को देते हैं, वो प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। अच्छा, इसमें हमें ये नहीं पता होता कि डेटा आउटपुट किस तरह का होना चाहिए, बस ये कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, इसमें कोई सुपरवाइजर नहीं होता, इसलिए इसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी होती है, उसको मैं आपको ये समझा दूं कि मिसाल के तौर पे एक बिल्ली है, अब उस बिल्ली को आप कहते हैं कि बैठ जाओ, वो बैठ गई, फिर आपने उसे कहा कि चलो, वो चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि उसको, अगर उसने आपकी बात मानी तो आपने उसको कोई अवार्ड दिया, तो बिल्ली की समझ में आ गया कि जब मैं इनकी बात मानूंगी तो मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, सही है, तो अब वो ट्रेन हो गई। दिस इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आप सिखाएं इस तरीके से कि सही करने पे इनाम मिले और गलत करने पे सजा मिले। इस तरह का कोई मॉडल अगर आप ट्रेन करें तो वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग कहलाती है, ठीक है। तो भाई ये है मशीन लर्निंग, और मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग का, अनसुपरवाइज लर्निंग का, क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, क्लस्टरिंग का, ये सारा मैंने आपको अभी बताया।